मौजूदगी रहेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस मानती है और इस बार सुशासन दिवस पर सरकार किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देगी। इससे प्रदेश के किसानों में भी काफी खुशी है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ का जनक कहा जाता है। उनकी जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है। बीजेपी सरगुजा जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 193,61,00,000 रुपए बकाया बोनस के तौर पर भुगतान करने जा रही है। बोनस को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है वैसे भाई, क्या बोलते हैं, 2 साल का बोनस बचा हुआ था, उसको भाजपा सरकार वादा किया था 25 तारीख को उसको देंगे, अगर दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे। वहीं पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के जनक थे, उनके उनके तैल चित्र पे माल्यार्पण जो है माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम सवेरे मॉर्निंग में होगा, उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी जो धान बोनस का जो वितरण कार्यक्रम है 2014-15 और 15-16 का, जो जिसकी संख्या किसानों की संख्या करीब ज़िले में 31,000 है और करीब 65 करोड़ की जो है बोनस वितरण की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के खाते में जो है ट्रिकल के माध्यम से अंतरित की जाएगी, उसका जो जिला स्तर का कार्यक्रम है वो पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में है। अटल सुशासन दिवस के लिए जिला प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। करीब 328 अटल स्तंभों की साफ सफाई कर ली गई है। वही किसान 2 साल के बकाया बोनस के मिलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18, अंबिकापुर। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। बड़ी बात यह कि सीबीआई जांच को लेकर आश्वासन